नमस्कार दोस्तों, अशोक इटूडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथ 1 के अंदर जो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, लेक्चर समझ रहे हैं उसकी, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए यूलर थ्योरम का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि यूलर थ्योरम क्या होती है, यूलर थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है, किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, वो हमने देखा था कि यूलर थ्योरम अप्लाई होती है जब कोई वेरिएबल आपको दिया है, फंक्शन दिया है, वो यदि होमोजीनियस है तो वहां पे आपका यूलर थ्योरम अप्लाई होती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम नेक्स्ट यूलर थ्योरम का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमको गिवन किया है कि इफ एक फंक्शन है यू इक्वल टू यदि एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू यदि फंक्शन है तो आपको क्या करना है कि देन वेरीफाई द यूलर थ्योरम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूलर थ्योरम जो है वेरीफाई करना है। तो यदि इस टाइप क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है यूलर थ्योरम होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमको क्या करना है ये समझ में आना चाहिए। दूसरी बात कि क्या ये जो गिवन आपको फंक्शन है वो होमोजीनियस है क्या, समघात फंक्शन है क्या। तो हम देखें ऊपर पावर हमारी 3 × 3 × 6 3+3 मतलब 6 ऊपर है नीचे 3 है, मतलब ये 3 डिग्री का जो है समघात फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पे यूलर थ्योरम लगेगी। तो सबसे पहले आपको यूलर थ्योरम क्या होती है वो यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगी, तभी तो हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि वी नो दैट क्या होती है होमोजीनियस फंक्शन के लिए, वो होती है आपकी x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू एनी u। ये हम जानते हैं कि ये होती है यूलर थ्योरम जब आपका फंक्शन दिया है वो है होमोजीनियस होता है। तो क्लियर इसमें आपको क्या करना है, x डेल u अपॉन डेल x ज्ञात करना है प्लस y डेल u अपॉन डेल y फाइंड आउट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे। यदि इस टाइप का फॉर्मेट में हमारा यहाँ पे nu मतलब u वापस जो वेरिएबल है फंक्शन दिया वो फंक्शन आ जाए और n की जगह 1 2 3 कुछ भी आ जाए, यदि इस टाइप जमता है तो ये यूलर थ्योरम इसमें हमारी वेरीफाई हो जाएगी। वो हमको करना है क्लियर, ये बोलना है घुमा फिरा के। तो चलो करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या कर लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर, इसको देना पड़ेगी नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 चूंकि हमको रिस्पेक्ट एक्स चाहिए ना, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हो गई अंश एंड हर, तो अंश एंड हर का इसमें आपको डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएट करते हैं उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है हर इंटू अंश का क्या डिफरेंशियल, तो रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का और y हमारा जैसा तैसा रहेगा, माइनस हर इंटू अंश हो गया, अब अंश इंटू हर का, तो अंश है एक्स क्यू वाई क्यू इंटू हर का, तो हर में आपका x एंड y x रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, y का हो जाएगा कॉन्स्टेंट है 0 अपॉन क्या होता है हर का स्क्वायर, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की पावर 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आपका देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या आपका 3x की पावर 5 बाय 3 3x स्क्वायर वाई क्यूब, चलो कॉमन लेते हैं 3x स्क्वायर वाई क्यूब कॉमन, तो यहां बच जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस में यहां बचेगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब चला गया तो एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब, तो क्या होगा ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हमको क्या चाहिए आप इसे दे सकते हैं आप एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो एक्स का मल्टीप्लाई हम दोनों साइड कर देते हैं, तो डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई जो होगा एक्स क्यूब 3x क्यूब और वाई की पावर हो जाएगी 6 और नीचे ही चल रहा है, देखना ध्यान देना ये नीचे चल रहा है तो नीचे अभी चलेगा, तो क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की पावर 2, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको चाहिए वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो हम यहाँ पे वाई डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लेते हैं रिस्पेक्ट टू वाई करके पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप क्या कहेंगे अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमेशा, तो ये क्या जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स टर्म हमारी क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी, तो हर
इंटू अंश का रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये जाएगा 3y² x 3 ऐसा कैसा रहेगा, माइनस अंश x³ y³ इंटू हर का, तो x का 0, y का हो जाएगा 3y² ठीक है, अपॉन हर का होल स्क्वायर, तो x³ y³ 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू आपका क्या है 3y² x³ कॉमन रहेगा, और ये x³ + y³ - 2 + y³ की होल स्क्वायर, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में हमको y चाहिए, दोनों साइड में हम क्या करेंगे LHS और LHS में डेल u अपॉन डेल y, ये y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये y क्यूब हो जाएगा, तो जाएगा 3y³, और x³ हो जाएगा x⁶ अपॉन x³ + y³ 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि भाई यूलर थ्योरम हमको वेरीफाई करना है, क्योंकि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू जो होता है nu, तो nu आ जाएगा, लेकिन हमको LHS क्लियर करते हैं पहले, तो अब लेकिन यहाँ पे y एडिंग इक्वेशन नंबर 2nd and 3rd ठीक है, तो क्या जाएगा ये जाएगा हमारा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, अब देख सकते हैं इक्वेशन 2nd जो थी हमारी ये थी, इसमें क्या था, इसमें था 3x³ y 6 ठीक है, प्लस आपकी इक्वेशन 3rd में है 3y³ x 6 अपॉन, नीचे बॉटम दोनों का सेम टर्म है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे x³ y³ 2। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपका 3, ये हमारा चल रहा है LHS में 3x³ y³ कॉमन, तो ये यहाँ बचेगा हमारा x³ चला गया, तो ये बचेगा y³ + x³ ठीक है, बॉटम में हमारा x³ + y³ का होल स्क्वायर चल रहा है, तो होल स्क्वायर से क्या हुआ, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनल हमारा बचेगा क्या 3x³ y³ / x³ + y³ ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे RHS में जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा 3x³ y³ / x³ + y³, तो ये हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट देखें तो u है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये पूरा u रख देते हैं हम, तो इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे फर्स्ट से, तो क्या जाएगा LHS हम लिख देते हैं x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, अब यहाँ 3 हमारा कांस्टेंट है और ये पूरी टर्म जो है x³ y³ ये पूरा क्या है u, तो देख सकते हैं कुछ ऑटोमेटिक दिख रहा है हमको x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू आया 3u, 3u मतलब कि nu, n बराबर 3 है, मतलब ये इसकी डिग्री 3 निकल गया, ये तो ये तो प्रूव करना थी हमको, तो बस हो गया ये, इसको हम ले सकते हैं एंस द यूलर थ्योरम फॉर फंक्शन u बराबर पूरा ही लिख दो x³ / y³ / x³ + y³ फॉर इसके लिए इज क्या प्रूव्ड, ये हमको करना थी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रूव करने का समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या उसने बोला था कि आपको फंक्शन दिया था और बोला था कि वेरीफाई करो आपको यूलर थ्योरम, तो प्रूव ले सकते हो या इस वेरीफाई भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वेरीफाई हुई हमारी यूलर थ्योरम, तो यूलर थ्योरम हमको पहली बात तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू nu है, तो हमको इसमें क्या करना थी, कुछ नहीं करना थी, एक बार डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किया, मल्टीप्लाई x कर दिया, फिर रिस्पेक्ट टू y किया, मल्टीप्लाई y कर दिया, दोनों एडिशन कर दिया, तो जो हमारा पूछा है वो आपके सामने है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू हमारा आया 3u, जो कि हमको वेरीफाई करना थी, वेरीफाई हुई, तो इस वीडियो में इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और देख लेते हैं यूरिया थोरियम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। इसके बाद ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स के अधिकतम क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और देखेंगे कुछ बचते हैं तो 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ये यूरिया थोरियम प्रूव करना थी वो समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे अशोक एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। साथ में सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन से रहता है उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।